देखते हैं, आभासी ए का अणुक अभिक्रिया या इसी को बोलते हैं छद्म कोटि की अभिक्रिया या फिर छद्म कोटि का फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोला जाता है। तो इसको देखते हैं, आभासी ए का अणुक अभिक्रिया क्या होता है। तो इसमें क्या, यह एक यूनिमोलिकुलर अभिक्रिया होती है, एक अणुक अभिक्रिया होता है। मतलब यह है कि जब भी रिएक्शन होता है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसको हम ए का अणु फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें स्यूडो दिया गया है, स्यूडो का मतलब होता है नहीं, इसका मतलब ही है नहीं। मतलब ये है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया जो हमें दिखाई देता है या जैसा दिखता है, जब हम उसको एनालिसिस करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो जैसा दिखता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। इसका स्यूडो का मतलब ही होता है जो है, जो दिख रहा है वो एक्चुअल में नहीं होता, उसको बोलते हैं हम लोग स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे सपोज करें कि हम कोई एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन लिए, केमिकल रिएक्शन में ए है और ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। जब ए जो है वो बी में कन्वर्ट होता है, सॉरी, ए प्लस बी है, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका सी प्लस डी में। जब ये कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर हम इसका ऑर्डर देखें, ये जो रिएक्शन हो रही है उसका ऑर्डर देखेंगे, तो ये दिखने में कैसा होगा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें दिखाई देगा। क्यों सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिखाई देगा? क्योंकि जब इस केमिकल रिएक्शंस के लिए हम लोग रेट निकालेंगे, तो रेट इक्वल टू होता है के कंसंट्रेशन 1 और कंसंट्रेशन बी। जब इसके लिए रेट निकालते हैं तो ये रेट कितना हो जाएगा आपका, इसके लिए भी 1 1, तो सेकेंड होगा। मींस कहने का मतलब ये है कि ये कैसा दिखाई दे रहा है हमें, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये दिखने में कैसा है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिखाई देता है। लेकिन इसमें से दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं ए और बी, उसमें से यदि किसी भी एक रिएक्टेंट की वैल्यू वेरी वेरी हाई हो, जैसे बी की वैल्यू वेरी वेरी हाई ए, या फिर ए की वैल्यू वेरी वेरी हाई देन बी हो, ऐसा कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में जो दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है उसमें से एक रिएक्टेंट जो है वो रेट लॉ में पार्टिसिपेट नहीं करता। जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो एक रिएक्टेंट जो रहता है उसका यहाँ पर रेट लॉ में काउंट नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो अभिक्रिया सेकेंड ऑर्डर है वो कैसा हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर दिखाई देने लगता है। तो इसी अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब कहने का ये है कि जब बी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है और ए की वैल्यू कम, तो बी कैसा होने लगता है, कांस्टेंट के समान, या फिर ए की वैल्यू ज्यादा है तो ए कांस्टेंट हो जाएगा। जब ये कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उस कंडीशन में हम इस रेट लॉ में बी की वैल्यू या फिर ए की वैल्यू को काउंट नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में ये जो रिएक्शंस होता है उसका ऑर्डर सेकेंड ना हो करके क्या हो जाता है, फर्स्ट हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या छद्म कोटि की अभिक्रिया या यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखें तो मोस्टली इसका एग्जाम्पल होता है जब हम एस्टर की अभिक्रिया, जब हम किसकी अभिक्रिया, एस्टर की अभिक्रिया कराते हैं वाटर के साथ। किसके साथ कराते हैं, वाटर के साथ। एस्टर का फॉर्मूला लिख दे रही हूँ मैं डायरेक्ट, CH3COOC2H5। जब इस एस्टर की अभिक्रिया कराते हैं वाटर के साथ, वाटर के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सबसे पहले क्या मिल जाता है, एसिड CH3COOH, देन आपका बनता है एल्कोहल C2H5OH, ये बन गया आपका एसिड और एल्कोहल।
अब इसके लिए एल्कोहल, इसके लिए हम क्या निकालें, रेट ऑफ रिएक्शन। जब हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो यहाँ पर जो वाटर होता है, वाटर की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है, ये जो वाटर्स हैं ये वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में ये जो है वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है, मतलब इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। और जब इनकी क्वांटिटी बहुत हाई होती है कंपेयर टू आपका कोई भी अदर रिएक्टेंट, जैसे यहाँ पर एस्टर ली है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो इसकी कम मात्रा यूज होता है प्रोडक्ट बनाने में। जब कम मात्रा में ये प्रोडक्ट बनाने में यूज होता है, मतलब ये एक कांस्टेंट के समान हम इसको लेकर के चलते हैं, एक कांस्टेंट मान लेते हैं। जब इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है। जब रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने में, रेट कांस्टेंट जब निकालते हैं तो उस कंडीशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता। मीन्स जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, CH3COOC2 H5 और H2 दिया हुआ है, तो ये सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग रेट लॉ निकालते हैं तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होना चाहिए, बट ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ये रेट लॉ में, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रेट लॉ में रेट निकालते हैं उस पर क्या करता है, डिपेंड नहीं करता। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रेट पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए जब ये हम रिएक्शन ये एस्टर और वाटर के साथ जो रिएक्शन से बना हुआ है एसिड और एल्कोहल, ये सेकेंड ऑर्डर ना होकर के कैसा शो करने लगता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो रिएक्टेंट लिए हैं एस्टर और कांस्टेंट, तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए, दो होना चाहिए, बट जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो रेट में डिपेंड नहीं करता। जब इसका हम रेट निकालते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो इंडिपेंड रहता है, डिपेंड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर ये रेट लॉ में सिर्फ हम एस्टर का लेंगे। इसीलिए ये जो रिएक्शंस है वो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना हो करके कैसा हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। इसी को कहा जाता है आभासी। यहाँ पर आभास हो रहा है, हम लोग क्या आभास कर रहे हैं कि ये जो रिएक्शन हो रही है वो सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम लोग रेट लॉ के अकॉर्डिंग यही पढ़े हैं कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के घातों का योग कहलाता है आपका रेट। जितना भी रिएक्टेंट रहता है उनके घातों का जब हम आपस में योग कर देते हैं तो वो होता है आपका रेट। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, एक एस्टर है, दूसरा कौन, दूसरा आपका वाटर है, दोनों के लिए रेट निकालेंगे तो टू आएगा, टू आएगा, तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होता, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर H2O की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती, वाटर की मात्रा बहुत अधिक होता है, इसलिए हम रेट लॉ में इसको काउंट नहीं करते, इसलिए इसको आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहा जाता है। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया होगा तो एक और एग्जांपल मैं बता रही हूँ। जैसे हम लोग वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में क्रिया कराते हैं, दोनों का आपस में क्रिया करा दिए तो क्या बन गया, जल, वाटर बना आपका। ये जब इन दोनों की क्रिया कराते हैं तो मान लो, सपोज करो, मैं क्या लिख दे रही हूँ यहाँ पर, ये जो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सॉरी ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन हम लोग 10 ग्राम ले रहे हैं। सपोज करें कि हम ऑक्सीजन कितना ग्राम ले रहे हैं, 10 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं। किस कंडीशन में, रिएक्टेंट की कंडीशन में हम इसको कितना ले रहे हैं, 10 ग्राम। जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन, तो ये 10 ग्राम का 0.001 ग्राम ही रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इतना रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट का सिर्फ कितना ग्राम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, 0.001, मीन्स ना के बराबर, बहुत ही अल्प मात्रा में या नहीं के बराबर यहाँ पर
ऑक्सीजन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जब ऐसा कंडीशन होता है तो उनको हम क्या मान लेते हैं, उनकी वैल्यू को कांस्टेंट मान लेते हैं। और कांस्टेंट मान करके मतलब नहीं के बराबर, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन खर्च हो रहा है या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो इस कंडीशन में जब हम इसका रेट लॉ निकालेंगे तो रेट लॉ में जो ऑक्सीजन है वो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। ऑक्सीजन जो है वो रेट लॉ पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पर रेट में डिपेंड करेगा जिसकी वैल्यू हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शंस है वो दिखने में कैसा दिख रहा है, बाइमोलिक्यूलर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का, तो कैसा दिखाई दे रहा है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना हो करके कैसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो इसी को बोला जाता है आभासी एकाणु अभिक्रिया या स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बहुत बार पूछा जाता है स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, आभासी एकाणु अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सीधा सा क्या हो गया, ऐसे कोई भी रिएक्शन जो दिखने में सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो दिखाई दे, लेकिन एक्चुअल में वो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना हो करके कैसा हो, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो। मीन्स हमें कैसा आभास हो रहा है, वो सेकेंड आभास हो रहा है, बट वो कैसा है, प्रथम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ऐसे अभिक्रिया को कहा जाता है छद्म कोटि की अभिक्रिया या स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या यूनिमोलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। बन जाएगा ये कैसे जितेन, बन जाएगा, समझ में आया स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देन हाँ, इसको ट्राई करके देखना। स्यूडो का मतलब है जो जैसा दिख रहा है वैसा ना हो करके क्या हो, उससे अलग हो। जैसे दिखने में कैसा है, सेकेंड ऑर्डर दिख रहा है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर ना हो करके कैसा है, वो फर्स्ट ऑर्डर है। तो उसको हम बोलते हैं आभासी एकाणु अभिक्रिया। अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है अर्हीनियस इक्वेशन देखेंगे। ये बहुत बार पूछा जाता है अर्हीनियस इक्वेशन क्या होता है ऐसे करके। तो अर्हीनियस इक्वेशन को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कोलिजन थ्योरी देखते हैं। थोड़ा क्या देख लें, कोलिजन थ्योरी क्या होता है, या अर्हीनियस इक्वेशन में यूज होता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये सारी चीजें क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कोलिजन थ्योरी क्या होता है, एनर्जी फैक्टर क्या होती है, ये सारी चीजें जो है वो अर्हीनियस इक्वेशन में यूज होगा। तो इसके बारे में हम पहले से जानेंगे क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी या फिर कोलिजन थ्योरी, तभी तो हम लोग अर्हीनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर। कोलिजन थ्योरी मीन्स इसका मतलब ही होता है टक्कर का सिद्धांत। टक्कर, कोलिजन का मतलब होता है टक्कर, टक्कर या आपस में टकराव। तो जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, और तो रासायनिक अभिक्रिया तभी संभव होता है जब दो अणु आपस में टकराते हैं। जब दो अणु, जैसे एक अणु में ये ले ली और एक अणु ये, जब दो अणु आपस में टकराते हैं तभी केमिकल रिएक्शन होता है। इस चीज को याद रखना, यदि दो अणु आपस में ना टकराए, जैसे दो अणु ऐसे एक दूसरे के अपोजिट हो, आपस में नहीं टकराता है, तो वहां पर नो रिएक्शन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, कोलिजन थ्योरी में ये बताया जाता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हमें करानी है तो केमिकल रिएक्शन कराने के लिए दो मॉलिक्यूल, कम से कम दो मॉलिक्यूल या दो से अधिक भी, तो दो मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं तभी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है। यदि दो अणु आपस में नहीं टकराते हैं तो वहां पर केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। तो कोलिजन थ्योरी में कुछ, कोलिजन थ्योरी के अंतर्गत कोलिजन कराना है, अणुओं को आपस में टकराना है, तो दो अणु आपस में कैसे टकराएंगे, इसके लिए दो तीन कंडीशन बताया गया है कि दो अणु आपस में कैसे कोलाइड होंगे, जुड़ेंगे और आपस में रिएक्शन करेगा। तो
तो इसके लिए कंडीशन बता दूं, सबसे पहले कंडीशन बताया है कोलिजन के लिए। सबसे पहला कंडीशन है कोलिजन थ्योरी के अंतर्गत, जब दो अणु आपस में कोलाइड हो। पहला कंडीशन क्या है कि जब दो अणु आपस में कोलाइड हो, पहला कंडीशन याद रखना, मीन्स मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर। ईच अदर वो कैसा होना चाहिए? कोलाइड होना चाहिए। तो पहला कंडीशन है जब दो अणु आपस में कोलाइड हो, पहला कंडीशन। अब जब दो अणु आपस में कोलाइड होता है, जुड़ता है, तो ये इजिली नहीं जुड़ता। जैसे एक अणु हम यहाँ रख दिए और एक अणु यहाँ रख दिए, तो बोलेंगे कि वो अपने आप केमिकल रिएक्शन कर ले और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जब दो अणु आपस में जुड़ता है, तो उसके लिए हमें क्या करना, थोड़ी ना थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे सपोज करें कि हमें चाय ही बनाना है, तो चाय बनाने के लिए हम सब चीज डाल चुके, सब चीज डाल, चाय पत्ती, शुगर डाल दिए, पानी डाल दिए चाय बनाने के लिए। अब बोलेंगे कि चाय बन जाए, तो चाय इजली नहीं बनेगा। चाय बनाने के लिए हमें क्या करने पड़े, हीट करना पड़ेगा इसको, करना पड़ेगा कि नहीं? हीट कि मतलब कहने का ये है कि हमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। जब हम एनर्जी देंगे, तभी वो रिएक्टेंट जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो सेम कंडीशन आपका यहाँ पर होता है कि जब दो अणु आपस में कोलाइड होते हैं, तो कोलाइड होने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, सफिशियंट एनर्जी होना चाहिए। याद रखना, सफिशियंट एनर्जी, आवश्यक एनर्जी होना चाहिए, जितना उसको आवश्यकता है उतनी एनर्जी। पहला पॉइंट याद रखना, जब दो अणु आपस में कोलाइड होता है, तो कोलाइड होने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, सफिशियंट एनर्जी होनी चाहिए। जितनी एनर्जी, जितनी ऊष्मा की उसको आवश्यकता है, जितना हीट की जरूरत है, वो उसके पास होना चाहिए। तो उसी को बोला जाता है कोलिजन में, कि दो अणु का कोलिजन तभी होगा जब वो आपस में कोलाइड हो, और साथ ही साथ उनके पास सफिशियंट एनर्जी होनी चाहिए। इसको दूसरा पॉइंट कर लेते हैं, बी बी में क्या है दूसरा पॉइंट, कि उस अणु के पास क्या होना चाहिए, सफिशियंट एनर्जी होनी चाहिए, सफिशियंट एनर्जी। दूसरा पॉइंट, तीसरा कंडीशन बताया गया है। तीसरा कंडीशन क्या है कोलिजन में, कि दो अणु आपस में तभी कोलाइड होगा, तभी जुड़ेगा, जब उनका ओरिएंटेशन, जब उनका क्या होना चाहिए, जो ओरिएंटेशन, उनकी ज्योमेट्री, वो क्या होना चाहिए, सेम हो, सेम ज्योमेट्री हो, या फिर सही अरेंजमेंट हो उनकी ज्योमेट्री का। उसी कंडीशन में आप दो अणु आपस में कोलाइड होगा, तो इसको भी लिख लेते हैं। और जो मॉलिक्यूल है, मस्ट मॉलिक्यूल मस्ट हैव, मॉलिक्यूल मस्ट हैव क्या रखना चाहिए, करेक्ट ओरिएंटेशन, करेक्ट ओरी ज्योमेट्री लिख देते हैं, इजली समझ में आए, करेक्ट ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए। तो मॉलिक्यूल मस्ट हैव करेक्ट ज्योमेट्री, ये होना चाहिए। मतलब तीन पॉइंट आपको याद रखना है कोलिजन थ्योरी के अंतर्गत, कि दो अणु आपस में तभी कोलाइड होगा, दो अणु आपस में तभी जुड़ेगा जब उनके पास सफिशियंट एनर्जी होनी चाहिए। और दूसरी चीज, तीसरी चीज, कि वो कैसा होना चाहिए, उनका ज्योमेट्री वो करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी उसमें कोलिजन होगा, वरना कोलिजन पॉसिबल नहीं होता। इसी को बोला जाता है कोलिजन थ्योरी या टक्कर का सिद्धांत। टक्कर के कारण ही, कोलिजन के कारण ही दो या दो से अधिक अणु आपस में कोलाइड होता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब अणुओं के बीच कोलिजन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में कोई भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। इस चीज को याद रखना। अब हम इसको कुछ डायग्राम के थ्रू आप लोग को बता रही हूँ, जो इजली आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस किस कंडीशन में कोलिजन हो सकता है और किस कंडीशन में कोलिजन नहीं होगा। तो तीन पॉइंट आप लोग याद रखना। पहला कंडीशन क्या है कि दो अणु आपस में कोलाइड हो। दूसरी,
दोनों अणुओं के बीच आपस में कोलाइड होने के लिए सफिशियंट एनर्जी होना चाहिए। तीसरी कि उनके पास क्या होना चाहिए, उनकी जो ज्योमेट्री है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। चलो इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो इजीली समझ में आएगा। तीन कंडीशन मैं आप लोग को यहाँ पर अप्लाई करूँ। कंडीशन कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है, जब हम एक अणु लेते हैं, एक अणु ले रही हूं मैं, ये एक अणु है आपका, ये एक अणु, ये फ्लोरीन का अणु लिए F2। इस फ्लोरीन के अणु की क्रिया कराते हैं किसके साथ, नाइट्रोजन के अणु के साथ, ये है आपका NO2 के साथ कराती हूँ मैं, ये आपका ये हो गया फ्लोरीन फ्लोरीन, ये आपका नाइट्रोजन और ये हो गया आपका ऑक्सीजन। ये मीन्स F2+NO2, ये है F2+NO2, ये केमिकल रिएक्शन है और ये इसका पिक्चर है। अब देखिए पहला कंडीशन, यदि हम दो अणु को आपस में कोलाइड कर रहे हैं और इनके पास इनसफिशियंट काइनेटिक एनर्जी हो, इनसफिशियंट काइनेटिक एनर्जी मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी इसको चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन में, उससे क्या हो, कम हो, ये मतलब नहीं हो, इनके पास एनर्जी ना हो, इनसफिशियंट एनर्जी हो, उस कंडीशन में बताया गया है कि ये जो रिएक्शन होती है वो नहीं होता। क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन मीन्स ये अणु जैसा अरेंजमेंट है उनका अरेंजमेंट वैसे ही रहेगा, इनके बीच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। इसको अरेंज कर दी मैं ऐसी, तो इनके बीच क्या, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। सीधा लिख दूं, नो रिएक्शन। तो पहला कंडीशन क्या है कि इनके पास सफिशियंट एनर्जी होना चाहिए। लेकिन पहला कंडीशन में हम क्या देखे, कंडीशन फर्स्ट में, कि जब इनसफिशियंट काइनेटिक एनर्जी इनके पास है तो केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ये फर्स्ट कोलिजन थ्योरी में बताया। दूसरा कंडीशन देखें, यदि हम इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराते हैं और रिएक्शन कराने पर यदि क्या हो, फ्लोरीन और फ्लोरीन इन दोनों की आपस में रिएक्शन करा दें किसके साथ, NO2 के साथ करा देते हैं, और इनके पास यदि सफिशियंट एनर्जी हो, क्या हो, सफिशियंट एनर्जी इनके पास उपस्थित है, यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, दो कंडीशन यहाँ पर, यदि ऑप्टिमल ऑप्टिमल एनर्जी, ऑप्टिमल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड एंड दूसरा क्या चीज होना चाहिए इनका, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन होना चाहिए। पहला क्या हो गया, इनका जो ऑप्टिमल एनर्जी एंड ओरिएंटेशन यदि कैसा हो, सही हो, इनके पास एनर्जी भी हो सफिशियंट एनर्जी और इनका ओरिएंटेशन भी सही हो, उस कंडीशन में बताया गया है कि ये जो फ्लोरीन है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। फ्लोरीन है वो किसके साथ करता है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे रिएक्शन इज पॉसिबल, रिएक्शन इज कंप्लीट लिख दें सीधा, कंप्लीट या रिएक्शन इज पॉसिबल। किस कंडीशन में रिएक्शन पॉसिबल होगा, तो जब क्या होना चाहिए, उनके पास सफिशियंट एनर्जी भी हो और साथ ही साथ उनका ओरिएंटेशन भी सही हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिएक्शन इज कंप्लीट या केमिकल रिएक्शन इज पॉसिबल। तीसरी कंडीशन देखें, यदि हम इस फ्लोरीन है उस फ्लोरीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, और यदि उनका ओरिएंटेशन सही ना हो, ओरिएंटेशन क्या हो,
सही ना हो तो उस कंडीशन में देखो, नाइट्रोजन यहाँ है और आपका ऑक्सीजन यहाँ पर उपस्थित है, तो यहाँ पर जब हम इनका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ओरिएंटेशन क्या है, सही नहीं है, मीन्स हम लिख दें इनकरेक्ट ओरिएंटेशन, इनकरेक्ट ओरिएंटेशन। जब इनकरेक्ट ओरिएंटेशन हो तो उस कंडीशन में भी रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, तो क्या लिखें हम लोग सीधा सा, नो रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि कोलिजन थ्योरी में कोलिजन, दो अणुओं के बीच कोलिजन तभी पॉसिबल होगा जब पहला कंडीशन, जब जब क्या होना चाहिए उनका ऑप्टिमल एनर्जी और ओरिएंटेशन जो है वो दोनों जो है वो सही होना चाहिए, उसी कंडीशन में रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ पर ये रिएक्शन है, इस कंडीशन में देखें और इस कंडीशन में देखें तो कोई रिएक्शन नहीं होता, इसी को कहा जाता है कोलिजन थ्योरी, टक्कर का सिद्धांत। क्लियर है, बन जाएगा, बनेगा, क्लियर है। हाँ, कोलिजन थ्योरी में क्या बताएं, रिकॉर्डिंग है, टेंशन मतलब रिकॉर्ड भेज दूंगी मैं, है ना। कोलिजन में क्या होता है, हाँ कोलिजन का मतलब ही है, जैसे हम सपोज करें दो अणु हैं ए और बी, तो ये दोनों अणुओं के बीच रिएक्शन होना है, तो ये दोनों अणु आपस में जुड़ना है, तो जुड़ेगा कैसे, तो जुड़ने के लिए क्या क्या चाहिए, इन दोनों अणुओं का आपस में पहला तो कोलिजन होना चाहिए, दूसरा इनके पास सफिशियंट एनर्जी होनी चाहिए, तो वे एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, एक दूसरे से ये जुड़ेगा। तीसरा कंडीशन इनका ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब एक अणु ऐसा है और दूसरे को हम ऐसा कर दें तो जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा, तो इस कंडीशन में क्या है आपका रिएक्शन नहीं होगा। तो वही बताई हूँ, यदि इनके पास इनसफिशियंट काइनेटिक एनर्जी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो ये फ्लोरीन और नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं जुड़ता, मीन्स कोई रिएक्शन नहीं होती। दूसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन क्या है, यदि इनके पास इनकरेक्ट ओरिएंटेशन, इनका ओरिएंटेशन बदल गया, इनके ज्योमेट्री बदल गई, तो उस कंडीशन में भी कोई रिएक्शन नहीं हो, मतलब केमिकल रिएक्शन करानी है तो दोनों होना चाहिए, पहला क्या इनके पास ऑप्टिमल एनर्जी होनी चाहिए और उनका ओरिएंटेशन, यहाँ पर दोनों सही है, मीन्स इसके पास एनर्जी भी है उनका ओरिएंटेशन भी है, तो यहाँ पर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो इसी को कहा जाता है कोलिजन थ्योरी या टक्कर का सिद्धांत। बहुत ही इजी तरीके से तुम लोग को बताई हूँ, बुक में थोड़ा पढ़ के देख लेना, थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा, तो इसको आप लोग इजिली समझ जाओगे, इसको बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। अब इसी में थोड़ा आता है कोलिजन फ्रिक्वेंसी, कोलिजन फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इसको रफ कर दूं, इसी में देखते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये एक दो नंबर का क्वेश्चन आता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसको देखें। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि अणुओं का आपस में जो टकराव होता है वो किस फ्रीक्वेंसी में होता है, उसको बोला जाता है कोलिजन, मीन्स दो अणु आपस में कितने बार टकरा रहे हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी है, कितना उसमें टक्कर होता है वो इसकी फ्रीक्वेंसी, तो इसका डिफाइन करेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि जैसे एक रूम है, ये एक रूम है, इस रूम में दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की है, ए और बी, सपोज करें ए और ये बी है, और ये एक है दोनों, और ये दोनों आपस में टकराएंगे या आपस में लड़ेंगे या फिर एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं, सपोज करें ये जो है ए बी को मारता है, तो मारेगा तो
ये पूरे सरफेस में या इस रूम में सिर्फ दो ही लोग हैं, तो वो क्या करेगा, इनके पास बहुत सरफेस है तो वो मारेगा, या तो वो दूर चला जाएगा, जैसे ए बी को मारता है तो वो एक दूसरे से दूर चला जाएगा। तो यहाँ पर इनके बीच जो टकराव होता है, ये जो टकराव होता है वो बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही हैं। लेकिन एक दूसरे रूम है, उस दूसरे रूम में बहुत सारे हैं, जैसे कि मान लो कि बहुत सारे ये ए हैं, बहुत सारा ए है, और वैसे ही बहुत सारा यहाँ पर क्या है आपका बी है। इनकी क्वांटिटी मतलब इनकी संख्या जो है वो ज्यादा है। अब इन दोनों के बीच देखेंगे तो इन दोनों के बीच टकराव इजली होगा, क्योंकि इनके पास क्या है, ज्यादा सरफेस नहीं है, ज्यादा एरिया नहीं है जो एक दूसरे से दूर हट सके। तो यहाँ पर इनकी क्वांटिटी क्या हो गया, इनका देखेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके मध्य टकराव कम होगा, क्योंकि सरफेस एरिया इनका ज्यादा। लेकिन इस कंडीशन में देखें तो यहाँ पर इनकी जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, हाई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा अणुओं का आपस में टकराव होगा उतना ही ज्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी होगी, और जितना कम टकराव होगा अणुओं का आपस में उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसी के अकॉर्डिंग यदि हम इसको डिफाइन करना चाहें कोलिजन फ्रीक्वेंसी को, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होगा, द नंबर ऑफ कोलिजन, द नंबर ऑफ कोलिजन, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना अणु आपस में टकराता है, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग पर यूनिट पर वॉल्यूम एट अ टेम्परेचर, एट अ टेम्परेचर, सॉरी एट अ गिवन टेम्परेचर, जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, ये कहलाता है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम एट अ गिवन टेम्परेचर, जो हम टेम्परेचर देते हैं उस टेम्परेचर पर सेकेंड में और पर यूनिट वॉल्यूम पर जो अणु है वो कितने बार आपस में टकराता है उसके नंबर्स को बोला जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अणुओं की क्वांटिटी क्या है, कम है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन कम होगा, मीन्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम होगी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, तो इनके मध्य कोलिजन ज्यादा होगा, इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम निकालें यदि कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालें तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी समानुपाती होगा जो आपका रिएक्टेंट दिया रहेगा उसके समानुपाती होगा। मतलब यदि जो अणु है या रिएक्टेंट है अणु की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा, यदि इनकी क्वांटिटी कम है तो उस कंडीशन में कोलिजन की फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। कहा सीधा सा बोला जाए तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो समानुपाती होता है किसके, उस मॉलिक्यूल की या रिएक्टेंट के समानुपाती होता है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उस पर डिपेंड करता है, इसी को कहा जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बन जाएगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, दिए गए टेम्परेचर पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम पर नंबर ऑफ कोलिजन को कहा जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसके समानुपाती होता है, तो जो रिएक्टेंट लेंगे उनके कॉन्सेंट्रेशन के समानुपाती होता है, इतना याद रखना। तो जितना ज्यादा अणु उतना ज्यादा कोलिजन और उतना ज्यादा फ्रिक्वेंसी, जितना कम अणु कम कोलिजन कम फ्रिक्वेंसी, ये चीजें आपको याद रखनी है।
इसी में एक और फैक्टर आता है, वो थोड़ा सा उसको भी देख ले, एनर्जी फैक्टर में एक और है, ये तो हो गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी। देन आता है आपका एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर क्या है ये आपको देखना है। एनर्जी फैक्टर, एनर्जी फैक्टर को हम लोग सीधा सा लिखें या फिर एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कोई रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब उनके पास क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, उनके पास सफिशियंट एनर्जी होनी चाहिए। जैसे ये मैं सपोज कर रही हूँ, मैं एक रिएक्टेंट ली हूँ, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ये तभी होगा जब इनके पास क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, सफिशियंट एनर्जी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। जब थ्रेशोल्ड एनर्जी इनके पास उपस्थित हो तभी ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और इस ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, या सीधा बोला जाए वह मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, वह मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट को क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उस एनर्जी को ही बोलते हैं हम लोग एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। और एफ की वैल्यू जब निकालते हैं तो एफ इक्वल टू होता है ई ए अपॉन आर टी। इसको याद रखना, क्या होता है, एफ इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसको बोलते हैं एनर्जी फैक्टर। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो थ्रेशोल्ड एनर्जी पास कराए जाते हैं, या जो थ्रेशोल्ड एनर्जी से वो पास होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं एनर्जी फैक्टर। या वह मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उसको कहा जाता है आपका एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एफ से। एफ इक्वल टू होता है ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। इतना आपको पहले देखना है, कोलिजन थ्योरी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, और एनर्जी फैक्टर। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन डिपेंड करता है एनर्जी फैक्टर पर। एनर्जी फैक्टर से ही हम लोग क्या करेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन का कैलकुलेशन करेंगे। कैसे निकालेंगे आर्हेनियस इक्वेशन, आगे देखते हैं। देन आर्हेनियस इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन बहुत बार आता है 2 नंबर में, 1 नंबर के क्वेश्चन में, कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, या कोलिजन थ्योरी क्या है, या फिर एनर्जी फैक्टर क्या है। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयारी करना। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन, चूंकि ये इक्वेशन आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट ने ही दिया था, इसलिए इसको हम नाम दिया गया है आर्हेनियस इक्वेशन। किसी भी आर्हेनियस इक्वेशन में आर्हेनियस क्या बोलता है, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है के, कोई भी केमिकल रिएक्शंस हैं, उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट के है, वो आर्हेनियस कांस्टेंट के बराबर होता है। याद रखना इसको, आर्हेनियस ने क्या बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट अभी निकाले हैं, रेट कांस्टेंट मतलब क्या, के, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल का रेट कांस्टेंट के ये बराबर होता है, आर्हेनियस कांस्टेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आर्हेनियस
कांस्टेंट के बराबर है, इतना को याद रखें। केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के बराबर होता है, आरहीनियस कांस्टेंट के रेट कांस्टेंट हो गया। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है आपका आरहीनियस कांस्टेंट। आरहीनियस कांस्टेंट को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, ए इक्वल टू आपका ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसी के बराबर होता है और इसी को कहा जाता है आरहीनियस इक्वेशन। आरहीनियस इक्वेशन क्या है? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के बराबर होता है आरहीनियस कांस्टेंट के इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी बराबर होता है। एक मिनट ना, तो खत्म हो गया।